छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में थाना प्रभारी द्वारा अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि एक परिवार के लोगों ने थाना प्रभारी पर अपने बेटे को छोड़ने के एवज में पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। परिवार के लोगों ने एसडीओपी कार्यालय में शिकायत देकर चेतावनी दी है कि अगर उनके पैसे वापस नहीं मिले तो वह थाने के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। आरोपों की माने तो बलरामपुर जिले के थाना रघुनाथ नगर थाना प्रभारी द्वारा दुष्कर्म के आरोप में रामविलास के पुत्र को छोड़ने के नाम पर 5,000 रुपए लिए गए। वहीं रामविलास के भाई के पास से 14,500 रुपए लेकर छोड़ने की बात कही गई। आरोप लगाते हुए कहा गया कि थाना प्रभारी रघुनाथ नगर द्वारा 19,500 रुपए लेने के बाद भी युवक को जेल भेज दिया गया, जिसके चलते आज वार्डफ नगर एसडीओपी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई गई। परिजनों के द्वारा कहा गया कि पैसे देने के बावजूद भी उनका बेटा जेल भेज दिया गया है, इसीलिए हमारा पैसा वापस किया जाए। कहा गया कि अन्यथा परिवार मिलकर थाने के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं इस पूरे मामले में बलरामपुर एसपी के द्वारा पुलिस पर लग रहे आरोपों के बारे में जांच करने के बाद कार्यवाही की बात कही गई है। एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए टीम को गठित किया गया है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। लड़की वाले केस किए और हमारे लड़का को बलात्कार करने के लिए उन्होंने 5,000 रुपया लिए और लेने के बाद गाड़ी भी हमारा बाइक भी रख लिए और फिर जेल भी डाल दिए। हमारे छोटा भाई था 14,500 रुपये उनके से भी ले लिए छोड़ने के नाम से लिए जेल भी डाल दिए। बलात्कार के मामले में छोड़ने के लिए रघुनाथ नगर के स्टाफ लोग 5,000 पैसा मांगे और मेरे पति को थाना में डाल दिए गए। मैं इसी कार्रवाई करने के लिए यहाँ आई हूँ। तो आपके द्वारा 5,000 रुपया दे दिया गया है? हाँ, दे दिया गया है। आई है उसके आधार पे भी हम जो है प्राथमिक जांच के लिए एडिशनल एसपी साहब को सौंपे गए हैं कि वो एक प्रार्थी और आसपास के लोगों का जिन लोग जो है थाना जाने की बातें आ रही हैं उनकी एक बयान दर्ज कर ले, जिसे प्राथमिक तौर पे जांच कर ले कि क्या हुआ था, कौन लोग गए थे और क्या उसमें थाना प्रभारी ने कोई लापरवाही बरती है या रिपोर्ट ना लिखने की कोई बात आई थी। इस बात के लिए हमने जो है एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जाँच के लिए भेजा हुआ है और जैसे जाँच हमारे पास आता है उसके आधार पर दंडात्मक कार्रवाई जो होगा विभाग स्तर पर वो कार्रवाई है। संपर्क करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.